दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा ने ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी। से हमने देश में एजुकेशन को लेके एक विमर्श खड़ा किया है, एक पूरा चिंतन खड़ा किया है, वो चाहे सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को चलाने का तरीका हो, सरकार का बजट देने का तरीका हो, पढ़ने पढ़ाने के तरीके हो, स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो, यूनिवर्सिटीज की बात हो, हमेशा आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन पे काम करते हुए, आम आदमी पार्टी की सरकारों ने एजुकेशन पे काम करते हुए माइलस्टोन स्थापित किए हैं। दिल्ली में 7 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है और दिल्ली में स्कूल एजुकेशन के बारे में तो हम बहुत अक्सर बात करते रहते हैं, आप सब भी बहुत दिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन साथ साथ हायर एजुकेशन के सेक्टर में भी दिल्ली में काफ़ी उल्लेखनीय काम हुए। ये रिकॉर्ड है कि 5 साल की सरकार में, पहले टेन्योर में, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में 5 नई यूनिवर्सिटीज स्थापित की। ये शायद ही किसी राज्य में हुआ हो और बहुत शानदार चल रही हैं। डिप्सारू, NSUT, इसके साथ साथ दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, ये 5 यूनिवर्सिटी स्थापित करके चलाना शुरू करना अपने आप में एक रिकॉर्ड काम है। 25,000 सीट्स दिल्ली में 5 साल के दौरान अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने हायर एजुकेशन में बढ़ाई, ग्रेजुएशन के लेवल पर, तो काफ़ी उल्लेखनीय काम हुए हैं। हमारा सबका मकसद ये है कि एजुकेशन आगे बढ़े और आज मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबके सामने शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दिल्ली के और देश के बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशनिस्ट आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल जी के काम से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज हमारे साथ में DU के एक जाने माने चेहरा, DU की शिक्षक राजनीति नहीं, शिक्षक की आवाज़ और DU में और देश भर में शिक्षा की आवाज़ का पर्याय बन चुके डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा जी इस समय एकेडमिक्स फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट AAD के चेयरपर्सन हैं, जो देश भर में एकेडमिशियंस की एक जानी मानी ऑर्गेनाइजेशन है और शिक्षा की, हायर एजुकेशन में काम करने की, रिसर्च की, वर्किंग कंडीशंस की, बच्चों के वेलफेयर की, न्यू एज एजुकेशन की पूरी काम करती है उस दिशा में, और इनका पूरा नेटवर्क है। तो पूरा का पूरा एकेडमिक्स फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहा है और साथ साथ आपके साथ साथ, पहले मैं आदित्य नारायण मिश्रा जी का थोड़ा सा और जिक्र कर दूं। मिश्रा जी DUTA के प्रेसिडेंट रहे हैं 3 बार और यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट रहे हैं DUTA के दिल्ली यूनिवर्सिटी में। फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टीचर्स एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, DUTA के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के विजिटर नॉमिनी भी रहे हैं। साथ साथ देश भर में हायर एजुकेशन में काफ़ी उल्लेखनीय काम करते हुए यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन से जुड़े रहे हैं। आपके साथ साथ आज आम आदमी पार्टी में और भी बहुत जाने माने एजुकेशनिस्ट शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने एजुकेशन में बहुत भूमिकाएं निभाई हैं। निश्चित रूप से सभी यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, पर उसके साथ साथ अलग अलग भूमिकाओं में रहे हैं। दिल्ली में जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन है DUTA, उसके 4 वर्तमान पदाधिकारी डॉक्टर रामकिशोर यादव, प्रोफेसर अंजू जैन, डॉक्टर आनंद प्रकाश और प्रोफेसर देवनंदन कुमार जी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। DU की फाइनेंस कमेटी के मेंबर डॉक्टर JL गुप्ता जी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। DU की EC एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मेंबर डॉक्टर सीमा दास और डॉक्टर राजपाल सिंह आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। DU की एकेडमिक काउंसिल के 3 मेंबर्स डॉक्टर आलोक रंजन पांडे,
डॉक्टर सी एम नेगी और डॉक्टर कपिला मुल्ला आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और डूटा के फॉर्मर इसी में, डूटा की तरफ से फॉर्मर डूटा में हैं और साथ साथ फॉर्मर इसी में भी रहे हैं डॉक्टर प्रेमचंद और डॉक्टर राजेश झा जी भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनके साथ और भी बहुत सारे शिक्षाविद एजुकेशनिस्ट देश के जो चीज पे काम कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप सबका आम आदमी पार्टी में स्वागत करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इन सब साथियों के साथ मिलकर लंबी चर्चाएं हुई हैं और आगे आम आदमी पार्टी पूरे देश में हायर एजुकेशन पर काम करेगी, जहां जहां हमारी सरकारें हैं, जहां जहां हमारा संगठन है। और आम आदमी पार्टी जब एजुकेशन पर काम करेगी तो इसका मतलब है वहाँ यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिटी, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की क्वालिटी, छात्रों का भविष्य बने, छात्रों के कैरियर बने, उस पर क्या हो रहा है उस पर काम करेगी। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च को कैसे बढ़ावा दिया जाए इस पर काम करेगी, यूनिवर्सिटीज़ को वर्ल्ड क्लास कैसे बनाया जाए ताकि हमारा देश नंबर वन बन सके यूनिवर्सिटीज़ के सहारे, इस पर काम करेगी। आम आदमी पार्टी की फिलॉसफी रही है कि स्कूल एजुकेशन को इतना शानदार कर दो कि देश का आधार मजबूत हो, और हायर एजुकेशन जिसमें टेक्निकल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों शामिल हैं, हायर एजुकेशन के लिए अपनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस को इतना शानदार कर दो कि देश आसमान छूने लगे। तो इसमें पूरी की पूरी ये यूनिट आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलके, आम आदमी पार्टी के और लोगों के साथ में मिलके काम करेगी। मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। मैं फॉर्मली डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा जी को पार्टी में शामिल करने के लिए मैं डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के संबंध में अपने भावों को यहाँ पर कुछ दो शब्दों में व्यक्त करें। श्री मनीष सिसोदिया जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, संजीव झा जी और बाकी मेरे साथ आए हुए, आप देख ही रहे होंगे कि बहुत सारे सीनियर प्रोफेसर्स हैं, बहुत सारे फॉर्मर डीन्स हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं जो यहाँ पर अभी मौजूद हैं, वो सब भी, और मेरे साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं, हमारे दो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं, चार डूटा एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं जैसे मनीष जी ने बताया, और फिनांस कमेटी के मेंबर हैं डॉक्टर जे गुप्ता जी, वो भी मौजूद हैं हमारे साथ। हम सब ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया, इस राष्ट्र का परिप्रेक्ष्य में जब हमने चिंतन किया, हमें लगा कि श्री अरविंद केजरीवाल जी का नेतृत्व में जो आम आदमी पार्टी एक राष्ट्र के समक्ष एक दिशा प्रदान कर रही है, और शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर सेक्टर में इनोवेटिव काम कर रही है, और जैसे मनीष जी ने कहा कि हम भी उनका तारीफ करते हैं कि स्कूल एजुकेशन में ही हैज डन वंडरफुल थिंग्स, अब यूनिवर्सिटी एजुकेशन में हम चाहते हैं कि वो एक अच्छा सकारात्मक हम लोग रुख रखें, और जो मौजूदा जो क्राइसिस भी है उसको भी हम हल करेंगे, जैसे कभी कुछ कॉलेजेस में ग्रांट्स का क्राइसिस है,
हम लोग पॉजिटिवली इंटरवीन करेंगे एंड आई एम क्वाइट होपफुल ही इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड वी विल बी एबल टू रिजॉल्व द इश्यूज कंसर्निंग सम कॉलेजेस 12 कॉलेजेस ऑफ द यूनिवर्सिटी। बिसाइड्स राष्ट्र के समक्ष मैं फेटकुटा का भी प्रेसिडेंट रहा हूँ, हमारे साथ इलाहाबाद, बनारस, जयपुर, उदयपुर सब जगह से मेरे मित्र लोग हैं और मैं उन लोगों को भी साथ लूँगा और हम लोग सब लोग मिल करके आम आदमी पार्टी के साथ मिल करके रचनात्मक काम करेंगे ताकि समाज का भला हो, देश का भला हो। एक अच्छा एजुकेशन से ही आप एम्पावरमेंट दे सकते हैं और एक मीनिंगफुल एजुकेशन कैसे दी जाएगी जिसमें हस्तक्षेप का कम से कम गुंजाइश हो किसी भी तरीके से और जहां पर छात्र एक प्रांगण में आकर के अपने फ्री महसूस करें, शिक्षक का जो एक्सप्रेशंस है उसके ऊपर कोई प्रतिबंध ना हो और जो कोर्स करिकुलम कहीं से डिक्टेट ना हो, खुद ही इवॉल्व हो, ऐसा एक व्यवस्था, एक रचनात्मक चीज़ें हम करने के लिए हम लोगों ने सब ने घंटों हमने इसके ऊपर चर्चा किया और मैं आज मेरे तमाम जो साथी यहाँ पर आए हुए हैं मैं उनके बिहाफ में श्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी को तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने और श्री मनीष सिसोदिया जी ने जो हमारे साथ आज खड़े हुए और हमें आम आदमी पार्टी में सम्मिलित किया उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और एक बात मैं इस अवसर पर बताना चाहता हूं, आपका विश्वास व्यर्थ नहीं होगा सर। थैंक यू। और हमने सारी जिंदगी शिक्षा के लिए काम किया है, शैक्षणिक संस्थानों का भलाई के लिए काम किया है, स्टूडेंट्स के लिए काम किया है ताकि शिक्षा सबको उपलब्ध हो सके। जो गरीब से गरीब आदमी है जिसका बच्चा अच्छा पढ़ रहा है उसको उन्मुक्त तरीके से अच्छे विश्वविद्यालयों में स्थान मिल सके, ये सारा चीज़ों को लेकर के हमने हमेशा काम किया है। नया कोर्स कैसे बनाया जाएगा, कैसे होगा, ये तमाम चीज़ों को लेकर के समाज और दुनिया जो बदल रही है मैं बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा। हमने एक्टिविज्म किया है शिक्षकों के लिए और शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। मेरा तीन दशक से ज़्यादा मैंने इसी दिशा में मैंने काम किया है और मैं चाहता हूं कि मेरे तमाम साथी आए हुए हैं, नौजवान साथी हैं, प्रोफेसर हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, उन सब की सोच से हम लोग मिलकर के काम करेंगे। ये प्रतिबद्धता हम यहां पर करते हैं, प्रतिबद्धता बताते हैं एंड फ्रॉम द डीप कोर ऑफ माय हार्ट वी एक्नॉलेज एंड वी थैंक वंस अगेन श्री मनीष सिसोदिया जी, थैंक यू एंड अरविंद केजरीवाल जी एंड स्पेसिफिकली संजीव झा जी जो हमारे बीच में है। ही हैज ऑलमोस्ट प्लेड द रोल ऑफ एन एंकर इन दिस होल प्रोसेस एंड ही हैज बीन इन कॉन्स्टेंट टच विद मी फॉर लास्ट मेनी ईयर्स एंड वी हैव बीन मीटिंग मनीष जी एंड अदर्स, बट वी रियलाइज दैट टुडे इज द राइट टाइम। Some say that you should have joined earlier, but better late than never. We are joining formally. We will strengthen the Aam Aadmi Party, and we will work together and in all over India, not only at the University of Delhi, all over India, we will try to resolve issues concerning the teachers, concerning higher education, concerning all the issues. और जो यूनिवर्सिटी में भी हम लोगों का जो कुछ क्राइसिस है, कुछ अगर जो आज हमारे जो कॉलेजेस के सामने, उसको भी हम मनीष जी के साथ बैठेंगे, वार्ता से ही सब कुछ का निदान होगा। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम लोगों का ये सकारात्मक जो एक पहल रहेगा सारी देश भर में, उससे सारा देश को फायदा मिलेगा
नौजवानों को अच्छा शिक्षा मिलेगी और देश लाभान्वित होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।